बाजार में। मामू क्या कर रहे हैं? गाड़ी धो रहा है। ए खटाड़ा, ए बाबा खटाड़ा हो गया बाबा, इसको चेंज करना होगा। तो बहुत जल्दी ये गाड़ी चेंज हो जाएगी, अगले साल आएगी। कौन सा महिंद्रा का गाड़ी आने वाली है? कौन सी आने वाली मामा? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देख रहे हैं हम लोग आज आए हैं ट्रैक्टर धोने के लिए नदी में। तो ये है हमारा घाट और यहाँ मामा हमारा ट्रैक्टर धो रहा है। देखिए ये देखिए, झुक करके दिखा, ये देखिए ट्रैक्टर वॉश हो रहा है। यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ये नया ब्लॉग है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एक बार। हमने दिखा है आपको ट्रैक्टर धोते हुए ब्लॉग। तो भाई कैसा लगा? देखिए अब मेरे पीछे देख सकते हैं मैं किस पे खड़ा हूँ। देखिए कमेंट करके बताया मैं किस पे खड़ा। मैं खड़ा हूँ नदी की चोर में, जो पेड़ गिर गया था, बहुत पुरानी पेड़ है। ऐसा दिख रहा होगा कुछ भी। तो ये दो बच्चे हैं जो दिख रहा है। ये देख रहे कितना गौर से दिख रहा है, हंस भी रहा मुस्कुरा भी रहा। उधर वो ट्रैक्टर धो रहा है क्योंकि ट्रैक्टर काफी गंदा हो गया था। तो पुराना तो वैसे ही है, गंदा हो गया था, लेकिन धोना चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर है भाई, धोना तो बहुत जरूरी है। तो हम लोग सोचे कि ट्रैक्टर धोते समय एक ब्लॉग बना लिया जाएगा। भाई कुछ ना कुछ करो तो ब्लॉग बना लो, यानी कुछ भी करा लो। तो क्या हो गए? नहीं देखो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ट्रैक्टर धोने में बहुत बिजी है अभी। मैं आ रहा हूँ। देखिये कैसे छेज रहा पानी। तो मैंने आपको दिखाया ट्रैक्टर धोने वाली ब्लॉग। तो ट्रैक्टर वॉश अगर आपको भी ऐसे करते हैं तो कमेंट करके जरूर, कौन कौन ऐसा वॉश करता है अपने ट्रैक्टर को नदी में घुसा करके। तो हम लोग अभी यहाँ पर राउंड मारेंगे और बहुत ज्यादा राउंड मारेंगे क्योंकि धोना है उसको। तो नदी में राउंड मारेंगे बहुत ज्यादा। मैं भी चलाऊंगा ट्रैक्टर, देख कैसे चलता है ट्रैक्टर, बहुत भागती है। तो देखो ये कैसा खतरनाक लग रहा है भाई, आइलैंड की तरह किसी लग रहा है, किसी आइलैंड है। ये देखिए मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये नदी में जब बाढ़ आया था इस नदी में, तो ये बड़े बड़े जो पेड़ थे ये गिर गए थे, कट गए थे। तो ये पेड़ अभी तक ऐसे ही बचा हुआ है, ये है। तो इसके ऊपर बैठ खड़ा होकर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो भाई आज का ब्लॉग रहा ट्रैक्टर धोने वाली ब्लॉग। तो भाई कैसा रहेगा आप लोग खुद ही कमेंट कीजिए। तो आज मैं स्केटिंग वगैरह करने नहीं गया रही, वैसे मैं तो स्केटिंग करता हूँ। आपको इसी चैनल में आपको स्केटिंग वाला वीडियोस मेरा मिल जाएगा। और एक चीज बताऊँ दोस्तों, मेरा स्केटिंग खराब हो गया, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। दूसरा स्केटिंग मैंने RF 900 ऑर्डर कर दिया है, अभी नहीं आया देने के लिए। तो आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। और दोस्तों का कमेंट था कि यार स्केटिंग करना छोड़ देते हो, यार क्या रहे हो स्केटिंग करो। तो भाई स्केटिंग फिर से करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एक दो दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मेरा नया स्केट आता है तो फिर ब्लॉग भी आएगा नया स्केट के साथ, और नया स्केट के साथ रन भी होगा, बहुत मजा आने वाली है। तो भाई यहीं से मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो आपको मैं करता हूँ कि हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो यहीं से मैं वीडियो को एंड करूंगा। भाई वीडियो को लाइक कर देना जरूर। मैं एक बार फिर से इस बच्चों को दिखा दूँ, कितने देर से ये बच्चे खड़े हैं कितना देर से खड़े हैं, ट्रैक्टर धो रहा है, मतलब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये देख रहा है कैसे ब्लॉग शूट कर रहा है, वीडियो बना रहा है। तो भाई देखो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ के बच्चे थोड़ा वैसे ही है, गांव के बच्चे तो यार डरते हैं, आते नहीं है पास में। तो घर के नजदीक में ही कुछ ये घाट है हमारा, इसे ढक्कन खोल के कर रहे हैं। ये और जोर से, और जोर से, और जोर से। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, कह रही ट्रैक्टर धोने के लिए आया तो मस्ती कर रहे। तो भाई यहीं से मैं करके जाने सका मोबाइल लेकर के, पानी में गिर सकता हूँ, देख सकते मेरे तरफ चारों तरफ पानी पानी है, मैं ऊपर खड़ा हूँ। तो भाई यार क्या बताऊँ मैं यार, चलो ठीक है मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, स्केटिंग में जरूर मिलेंगे फिर। जय हिंद जय भारत। इधर रुको रुको मैं इधर जाता हूँ।